तो वैसे आपका स्वागत है हमारे चैनल पे हाइपर बैडमिंटन प्लेयर्स। तो गाइस आज वीडियो में हम बात करने वाले यूनेक्स के एस्ट्रोक्स 01 क्लियर रैकेट के बारे में गाइस। तो जैसा कि इस रैकेट के बारे में आज हम बताएंगे कि इसकी स्पेशलिटीज, कैसा परफॉर्म करता है इस रैकेट को, रैकेट ये कैसा परफॉर्म करता है और खेलते भी दिखाएंगे। तो आज बिना देरी करें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज ये मेरे पास यूनेक्स का रैकेट एस्ट्रोक्स 01 क्लियर। तो गाइस इस रैकेट को मैं पिछले 3 महीने से यूज़ कर रहा हूँ। वो पर्सनली बहुत अच्छा रैकेट लगा है, इसकी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी लगी है मुझे। तो गाइस थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। तो गाइस सबसे पहली चीज़ जो मैटर करती है रैकेट का वेट, कितना वेट है आपके पास इसमें रैकेट में, क्योंकि तभी तो पता लगता है कि कैसे खेलेंगे हम। तो गाइस इस रैकेट का जो वेट है वो है 80 ग्राम्स इसका वेट है। और इसमें अभी फिलहाल ग्रिप भी लग रही है, तो इस प्लस 10 ग्राम ग्रिप का जो वजन होता है वो 10 ग्राम होता है, तो इसमें प्लस कर लो तो फिलहाल 90 ग्राम बैठेगा। तो गाइस जैसे मेरे पे एक वेटिंग मशीन है उससे हम आपको तो दिखाते हैं। ये हमारे पास वेटिंग मशीन, और गाइस देखो इस पे हम ये रैकेट रख रहे हैं। अब देख सकते हो आप ये 90 पे आ चुका है। तो गाइस अब जैसे कि ये रैकेट 90 ग्राम फिलहाल दिखा रहा है ये मशीन, क्योंकि इसमें ग्रिप भी लगी हुई है। अगर हम ग्रिप का वजन नापते हैं तो देखो ये अभी 10 ग्राम बता रहा है ग्रिप का वजन। तो गाइस ये मेरे पे ग्रिप थी, ये मैंने रखा और देखो 10 ग्राम इसका वजन है। तो इसे आप साइड पर रखते हैं। तो गाइस ये जो रैकेट का वजन जो है ये 80 ग्राम है, और इसका जो है हल्का सा हेड हैवी है, तो ये इस हेड हैवी रैकेट को ये अटैकिंग रैकेट बनाता है और इससे थोड़ी बहुत डिफेंस भी हो जाता है। ये जो अटैकिंग रैकेट है इससे क्या है कि आप लोग स्मैश वगैरह मारते हैं ना, तो इससे बहुत हेल्प मिलती है अटैकिंग रैकेट में। तो गाइस इसका ये जो फ्रेम है, अब इसकी फ्रेम की बात करते हैं, ये आइसोमेट्रिक फ्रेम है जो कि बहुत अच्छा रहता है। और इसकी शाफ्ट के बारे में बात करें तो यहाँ पे छोटा सा एक लोगो है यूनेक्स का, और इसकी शाफ्ट पे थोड़ी बहुत डिज़ाइन हो रही है, एस्ट्रोक्स क्लियर, एस्ट्रोक्स 01 क्लियर, मेड बाय जापान, बस ये ऐसे ऐसे इस पर लिखा हुआ है। और हम बात करते हैं ये रैकेट किस चीज़ से बना हुआ है। तो गाइस ये जो रैकेट है ये बना हुआ है ग्रेफाइट मटेरियल से, जो कि है बहुत लाइट होता है उस ग्रेफाइट मटेरियल, इसलिए इन्हें ग्रेफाइट मटेरियल से बनाया जाता है। तो अब हम बात करते हैं इसकी टेंशन के बारे में। तो गाइस इसकी टेंशन जो है वो है 27 से 28 LBS, और मेरी बात माने तो इसमें 24 से 25 LBS आप डलवा सकते हो, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 24 से 25 LBS डलवाते हो तो आप इसमें बहुत ही अच्छा परफॉर्म करेगा ये 24 और 25 LBS से। फिलहाल मैंने इसमें 23 LBS डला रखी है अपने लिए। तो गाइस आप अभी एक क्लिप देखिए जिसमें मैं इस रैकेट के साथ परफॉर्म कर रहा हूँ, और बताइए मुझे वो। वीडियो बन गई थे कैसी लगी इस रैकेट के साथ। गाइस ये जो रैकेट है इसकी जो रेटिंग है जो फ्लिपकार्ट पे मैंने देखी है तो वो 4.3 रेटिंग है, तो ये इस रेटिंग के साथ बहुत ही अच्छा रैकेट परफॉर्म। रैकेट खरीदना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।